गिराओगे। चिल्लाओ मत, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मुझे किसा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं नहीं, तुम अपना फायदा देख रही थी, कहाँ से मिलेगा ऐसा साथी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम टीवी पर आने वाला जबरदस्त ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी के आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होंगे। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे दानियाल साइम और जूबी को देख लेता है और वो साइम से कहता है कि मैं किसी भी सूरत में जूबी को नहीं छोड़ सकता, मैं हर सूरत जूबी से शादी ही करूँगा और अगर तू कुछ कर सकता है तो कर ले, अब की बार मेरी जान भी चली जाए तो हाजिर हूँ। जिसके बाद दानियाल कहता है कि इसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, मैं चाहता तो तेरी जान भी ले सकता था। अब्बू की बात सुनने के बाद जूबी अचानक साइम से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बू के पास जाना है वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जिसके बाद साइम कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद जूबी कहती है कि मेरे साथ जो होना है वो होने दो, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ हो। तुम नहीं जानते भाई कितने गुस्से में है और उनका गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके बाद साइम कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर दानियाल तुम्हारी मोहब्बत में मुझे मार भी देगा। दूसरी तरफ जूबी का अब्बू जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है क्योंकि वो तो अपनी बेटी जूबी को ये कहने आया था कि शादी तुम्हारी उसी से होगी, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गई। जूबी को इस बात का बहुत दुख पहुंचता है कि मेरी वजह से मेरे अब्बू आज हॉस्पिटल में चले गए, तो वो भागती हुई हॉस्पिटल में आती है। नाज़रीन, अब आप ही कमेंट्स में जरूर बताएं कि जूबी को साइम के साथ जाना चाहिए या अब्बू के पास। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल